ठाकुर की कन्हैया की कृपा से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करी बरवरी के लिए। जिस प्रकार डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने की कोशिश करता है, क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए माँ के सामने पहुंचे, बोले कि माँ इस महाभारत के युद्ध में मैं भी भाग लेना चाहता हूँ। आज मैया ने कहा कि तू छोटा है, कोई भी शक्ति तेरे पास नहीं है, कैसे युद्ध लड़ेगा। आज मैया से जिद कर बैठे, बोले कि मैया युद्ध में तो मुझे भाग लेना ही। आज मैया जो मोरबी थी, माँ कामाख्या की भक्त थी, आज मैया ने मैया को मनाने का आशीर्वाद दिया। आज बरवरी की मैया को मनाने जा रहे हैं, लेकिन कहते भक्तों बिना भोले के मेरी मैया अधूरी और बिना मैया के मेरे भोले भोले शुरू करी। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। जो मेरी माता बहन है नौ दुर्गा व्रत रखती, दोनों हाथों को खोलिए, ताली लगा के मैया को मनाइए। अरे दुर्गा 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 दुर्गा, अम्बे मेरी माँ, दुर्गा है, दुर्गा है, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी की कृपा से बरवरी ने तीन बाण प्राप्त करे। बोलिए तीन बाण धारी, और तीनों बाणों की खासियत कि एक बाण काफी था पूरी सृष्टि का नाश करने के लिए, और दूसरी खासियत कि जो व्यक्ति वो बाण को चलाएगा वापस वो बाण उसके पास आ जाएगा। तीन बाण धारी महिमा तुम्हारी, आज तीनों बाणों को लेकर मैया के पास आए। माँ अब तो मुझे आज्ञा दे, अब तो मैंने शक्ति भी प्राप्त कर ली। आज मोरबी ने बरवरी की मैया ने आशीर्वाद दिया और बोले कि वचन दे के जा कि जो हारेगा, क्योंकि मैया को पता था पांडव केवल पांच हैं, कमजोर पड़ेंगे, इसलिए कि आप मुझे वचन दे के जा, जो हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। आज वचन दिया और कहते हैं कि दूसरा वचन मोरबी के मुख से कन्हैया ने स्वयं निकलवाया कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ मांगेगा तू मना नहीं करेगा, इनकार नहीं करेगा, उसको वो चीज दे देगा। आज दोनों बच्चनों को देकर बरवरी ने अपनी सवारी को सवार किया। जिस प्रकार भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं मेरी मैया दुर्गे, शेर की सवारी करती है, इनके पास भी एक लीला घोड़ा था। आज सवार होकर चल दिए युद्ध भूमि की ओर। लीले घोड़े का असवा ये खाटू वालों सावरिया, लीले घोड़े का असवा ये खाटू वालों सावरिया, आइए हाथ खोलिए क्योंकि मेरा बाबा पांडवों को जीत दिलाने जा रहा है। और पता नहीं आज किसकी रेखा गलत रहे।
रेखा को साफ करे और उनकी किस्मत चमका दे। दोनों हाथ खोलिए और लहराते हुए सांवरिया रे मेरो सांवरिया, सांवरिया रे मेरो सांवरिया, सांवरिया रे मेरो सांवरिया, सांवरिया रे मेरो सांवरिया। घोड़े का अस्तबल ये कटू कटस्ता युद्ध भूमि की ओर बढ़ा, धरती हिल गई, आसमान कांप गया। आज अर्जुन कन्हैया से बोले कि हे कन्हैया, ये सामने घोड़े पर सवार होकर कौन आ रहा है? इसको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध लड़ने से पहले युद्ध हार गया। कौन है ये, कौन है ये, कहां से आया? चारों दिशाओं में तेज सा है छाया, चारों दिशाओं में तेज सा है छाया, चारों दिशाओं में तेज सा है छाया। इसलिए अर्जुन की पुकार पे कन्हैया ने अपना भेष एक ब्राह्मण का भेष बनाया और जहां पर बर्बरीक थे वहां पर आए। बर्बरीक कहां जाता है? बोले कि महाराज, आपको मेरा नाम पता है तो ये भी पता होगा मैं कहां जा रहा हूं, क्योंकि आगे युद्ध में युद्ध लड़ने जा रहा हूं। बोले कि किससे युद्ध लड़ेगा? बोले कि तीन बार है, तीन बार है। बोले कि तेरे तीन बार कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि उस भूमि में एक से एक बड़ा योद्धा, एक से एक महान योद्धा है। बोले कि महाराज, एक बार ही काफी है पूरी युद्ध का परिणाम घोषित करने के लिए। बोले कि तुझे इतना घमंड है तो प्रयोग करके दिखा। अब तो सामने पीपल का पेड़ था, आज जैसे ही प्रतीक्षा पे बाण चढ़ाया, कन्हैया ने एक माया से एक पत्ता तोड़ा, अपने पैर के नीचे दबा लिया और जैसे ही बर्बरीक ने वो तीर छोड़ा, सारे पत्तों को भेदता हुआ कन्हैया के पैर के ऊपर आज वो तीर घूम रहा है। बोले कि महाराज, अपना पैर हटाइए। बोले कि क्यों? बोले कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। और जैसे ही कन्हैया ने वो पैर हटाया जो ब्राह्मण के भेष में थे, आज देखा कि उस पत्ते में भी छेद हो चुका है। आज कन्हैया ने सोचा कि अगर ये युद्ध भूमि में चला गया तो एक एक को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारेगा, इसलिए अपनी माया में फैलाया, फंसाना शुरू किया बर्बरीक को। बोले कि किसकी ओर युद्ध लड़ेगा, किसकी ओर युद्ध लड़ेगा? बोले कि महाराज, अपनी माँ को वचन दे के आया हूं कि जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। बोले कि कैसा वचन दे दिया तुमने? बोले कि क्यों महाराज? बोले कि तू पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ेगा तो कौरव हारेंगे, तू कौरवों की तरफ आ जाएगा, फिर पांडव हारेंगे तो पांडवों की तरफ आ जाएगा, ये अदला बदली कब तक चलेगी? आज ऐसा माया में फंसा दिया। आज हाथ जोड़ के बर्बरीक कन्हैया के सामने बोले कि महाराज, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे नहीं सूझ रहा मैं क्या करूं। आज एक ब्राह्मण के रूप में जो कन्हैया थे उन्होंने कहा कि हे बर्बरीक, कलियुग के उद्धार के लिए एक वीर के शीश की जरूरत है, जो महावीर होगा, महाबली होगा, और वो मेरे सामने केवल तीन योद्धा है। पहला अर्जुन, उसका शीश मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि उसको युद्ध लड़ना है। दूसरा कन्हैया, उसका भी मुझे शीश नहीं मिलेगा क्योंकि अर्जुन का रथ चलाना है। केवल और केवल मेरे सामने तीसरा योद्धा केवल तू है। बोले कि महाराज, मेरा वचन है कि आपको शीश दान में मिलेगा, लेकिन जो शीश दान में मांग सकता वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, इसलिए अपनी माया को त्यागिए, आप अपना असली रूप मुझे दिखाइए। जरा सामने तो आओ, चलिए चुप चुप चलने में क्या राज है, तू झुकना सकेगा परमात्मा मेरे आत्मा की आवाज है। जरा सामने तो आओ, चलिए चुप चलने में क्या राज है, तू झुकना सकेगा परमात्मा मेरे आत्मा की आवाज है। जैसे बड़े 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 बच्चे बन गया, कन्हैया ने अपनी माया को छोड़ा, अष्टभुजा रूप विराट रूप आज बर्बरीक को दर्शन कराए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जैसे ही कन्हैया के दर्शन किए, बर्बरीक दंडवत प्रणाम किया, बर्बरीक ने एक तीर निकाल अपनी गर्दन काटी, कन्हैया की झोली में रख दिया। बोलिए शीश के दानी, मांगा 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 शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान वाले ने, ओ मांगा शीश
वाले ने वाले ने जड़ी सोदार खाटू वाले ने ओ पुंडी वाले ने खाटू वाले ने पुंडी वाले ने खाटू वाले ओए ओए मांगा सी सदान मुंडी वाले ने जड़ी सी सदान खाटू। आज जैसे ही झोली में कन्हैया ने शीश देखा, आज सोचने लगे, बोले कि मैंने इसकी अंतिम इच्छा नहीं पूछी। बोले बरवरी तेरी अंतिम इच्छा क्या थी? बोले कि महाराज क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं, युद्ध लड़ने आया था लेकिन नहीं लड़ पाया, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है कि जब तक युद्ध चले मैं अपनी आंखों से उस युद्ध का दीदार करूं। कन्हैया ने स्वयं उसी समय उस शीश को, बरवरी के शीश को अमृत पिलाया, एक तीर पर लगाया और एक चोटी पर रख दिया जहां से पूरी युद्ध भूमि की, कुरुक्षेत्र की भूमि दिखाई दे रही थी। और सबको पता है युद्ध किसने जीता, सबको पता है, लेकिन मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया। क्यों? क्योंकि आज अर्जुन कह रहे मेरे गांडीव ने युद्ध जिताया, भीम कह रहे मेरे गदा ने, नकुल कह रहे मेरी तलवार ने, सहदेव कह रहे मेरे भाले ने, यहां तक के पांडवों में सबसे सीधे थे कौन? युधिष्ठिर। आज वो भी तंज कस रहे, व्यंग कस रहे, बोले कि आपको युद्ध मेरे मार्गदर्शन ने दिखाया, आप नहीं जीत पाते अगर मैं मार्गदर्शन नहीं करता आपको, लेकिन समझौता नहीं कर पा रहे। पांचों भाई पांचों दिशाओं में फैल गई, क्योंकि पांचों में आ गई मैं। जब मैं आती है तो आपको पता है आदमी का क्या हाल होता है, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया। इसलिए चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। पांचों भाई सोच रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान केवल कन्हैया कर सकता है, उसके पास चलते हैं, वो बताएंगे हमें कि हमें युद्ध किसने जिताया। उनको करेंगे हम हमारा, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। आज पांचों भाई कन्हैया के पास आए, दंडवत प्रणाम किया, बोले कि कन्हैया हमारी समस्या का समाधान करिए। बोले कि क्या हुआ? बोले कि हमको ये बताओ, हमको युद्ध किसने जिताया? बोले कि मुझे क्या मालूम, जगह दीजिए, मुझे क्या मालूम। बोले कि आपको तो सब कुछ पता है, आप हर समय हमारे साथ रहे हो। बोले कि हर समय साथ रहा हूं, लेकिन एक ड्राइवर की हैसियत से अर्जुन का रथ चलाया मैंने हर समय, हो सकता है कि रथ चलाते चलाते मेरी पलक झपक गई हो, पूरा दृश्य नहीं देख पाया हूं, लेकिन एक साक्षी प्रमाण है जो आपको बताएगा युद्ध किसने जिताया। पांचों पांडव छठे नारायण इकट्ठे होकर कहां जा रहे हैं? आज कन्हैया कह रहे हैं चलो चले उसी के पास, चलो चले उसी के पास, उसको करेंगे हम वादा, चलो चले उसी के पास, चलो चले उसी के पास, चलो चले उसी के पास। पांचों पांडव छठे नारायण बोली श्याम प्यारे की, पांचों पांडव छठे नारायण बरबरी के पास आए। कन्हैया ने आवाज लगाई, बरबरी आंखें खोलो। बरबरी ने अपने नेत्र खोले और नेत्रों के माध्यम से कन्हैया को प्रणाम किया, बोले कि बताओ पांडवों को युद्ध किसने जिताया? आज उसी कुल में जन्मे हुए उसी खानदान के बेटे जवाब दे रहे हैं कि आपकी औकात नहीं थी, किस बात का आपको घमंड, आपकी औकात नहीं थी कि आप युद्ध जीत जाए अगर कन्हैया आपके साथ नहीं होते। केवल और केवल मैंने युद्ध में केवल और केवल एक ही चीज दिखाई थी, जो था कन्हैया का सुदर्शन चक्र। जब कौरवों की तरफ से बाण आ रहे थे तो आपके बाणों के रूप में कन्हैया का सुदर्शन चक्र उन बाणों को काट रहा था, और जब आप बाण छोड़ रहे थे तो आपके तीरों के रूप में कन्हैया का सुदर्शन चक्र कौरवों का संहार कर रहा था। केवल और केवल मैंने युद्ध में कन्हैया के सुदर्शन चक्र के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आज कन्हैया को यह जवाब इतना सुंदर लगा, अखंड वरदान दे दिया मेरे ठाकुर को कि बरबरी जैसे जैसे कलयुग आएगा मेरा श्याम नाम तेरे सिर पर चढ़ के बोलेगा, घोर कलयुग में मेरी सोलों की सोलों कलाएं तेरे शीश में विराजमान होंगे। बोले श्याम प्यारे की,
मेरी वजह से तू किसी का सहारा नहीं बन पाया। जो अपनों से हार कर पहली बार कथा सुनकर तेरे धाम में आएगा, तेरे खाटू नगर में आएगा, तो उसका सहारा बनेगा। बोले हारे के सहारे की। तीसरा वरदान कि मेरी वजह से तू किसी की झोली नहीं भर पाया, किसी को कुछ नहीं दे पाया। जो तेरी चौखट पे झोली फैला कर आएगा, अपनी औकात से या तो उससे पाएगा। बोली लख दाता की। और सबसे बड़ा अखंड वरदान, सबसे बड़ा वरदान आज कन्हैया ने कहा कि जिस किसी की किस्मत में मैंने दुख लिख दिया, दर्द लिख दिया, कोई बदल नहीं सकता। कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति भूल से तेरी खाटू नगर की चौखट पे आ जाएगा और दो आंसू तेरी चौखट पे चढ़ा देगा, तो तेरी चौखट पे मेरा लिखा हुआ भी बदला जाएगा। बोली श्याम प्यारे की। समय गुजरा, बाबा का शीश धीरे धीरे पहाड़ी में नीचे दबा, जमीन के रास्ते से खाटू नगर में आया। कन्हैया ने खाटू का जो राजा था उसको सपना दिया। उस राजा ने जो श्याम कुंड है बाबा का जगह, उस जगह की खुदाई करवाई, जल के साथ बाबा का शीश निकला। राजा ने मंदिर का निर्माण कराया, बाबा की स्थापना कराई। आज मेरे ठाकुर ने उसका भी एहसान नहीं लिया, उसको भी एहसान अखंड बलिदान दे दिया राजा को। बोले कि जब तक मेरे नाम की गुणगान, मेरे नाम की जय जयकार होगी, तेरे नाम की भी जय जयकार मेरे साथ होगी। हम लोग जयकार लगाते खाटू नरेश।